गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर फेवरेट प्राइम टाइम शो सेलिब्रेट लाइव विद शिल्पा भसीन। और आज हम जुड़ने वाले हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचड़ के साथ। और अगर मैं बताऊं तो आप में से कौन कौन जी टीवी देखता है, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कौन टीवी देखता है। तो मैं आप सबको ये बताने जा रही हूँ कि आज अगर आपने टेलीविजन की दुनिया में इस शख्स को देखा है तो वो टेलीविजन से निकल के हमारे सामने आने वाले हैं। और ये ऐसी शख्सियत है जिन्हें ना सिर्फ जी टीवी पे, ना सिर्फ पूरी दुनिया में, जबकि ही इज द वेरी फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर टू मेक इट टू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ही होल्ड्स अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो, चाहे वो किस्मत के सितारे हों या किस्मत कनेक्शन विद संदीप कोचर। आज हमारे साथ द स्टार एस्ट्रोलॉजर इज जॉइनिंग लाइव ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। बहुत सारे सवाल आज हमें मिले जिनके आज हम जवाब देंगे। बहरहाल आइए अब लेते हैं अपने साथ लाइव वीडियो में आज के हमारे मेहमान, आज के हमारे टॉक शो के गेस्ट संदीप कोचर। ही इज हियर विद अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, इफ यू रियली वॉन्ट टू नो द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर लक, द किस्मत कनेक्शन पर्सन इज हियर विद अस। आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जो सितारे आसमां में हैं वो जमीन पे उतर आए हैं, क्योंकि बॉलीवुड के चमकते सितारे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो लेट मी टेक इन द लाइव वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन विदाउट एनी डिले, नन अदर देन संदीप कोचड़। तालियों से अभिनंदन करते हैं आज हमारे साथ, वर्चुअल तालियां जरूर हम इनके लिए बजाएंगे। सर वेलकम ऑन द शो। Thank you, Shilpa. How are you? I am good. How are you? So, welcome to the show, Celebrate Live with Shilpa Bhaseen. Yeah, Shilpa. Yeah, I know you. You have an amazing profile. Thank you, sir. Thank you. अच्छा संदीप जी, आज हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे। मुंबई का मौसम जो है इस समय, मैंने सुना है कि थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, तापमान बढ़ गया है, तो कैसा है वहाँ पे मौसम, सब कैसा चल रहा है? Yeah, I think weather is all in the mind. Yes. जब गर्मी है तो गर्मी होगी, और बट आपकी सोच से मौसम बदल जाता है, मेरा ऐसा मानना है। बट आई थिंक मॉनसून इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अभी नेक्स्ट वीक से आई थिंक मॉनसून विल बी ऑन हियर, एंड अभी भी ब्रीज चलनी शुरू हो गई है। यू नो आई लिव वेरी क्लोज टू द सी, सो लॉट ऑफ क्लाउड्स आई कैन सी, एंड ब्रीज आती है, तो इट्स अमेजिंग, इट्स ऑल गुड। अरे वाओ, फैंटास्टिक। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आपने सही बोला, इट्स ऑल इन द माइंड। जैसे कि आपको देखते ही आज हम इतने खुश हो गए हैं, सारी ऑडियंस जो है यहाँ पर इतने सारे कमेंट लिख रही है, हाय, हेलो, हाय संदीप जी। सो आई वांट यू टू से हाय टू एवरीबॉडी हु हैज जॉइंड अस टुनाइट। या हाय एवरीवन, दिस इज संदीप कोचर विद यू, एंड शिल्पा यू नो इज अ अमेजिंग पर्सन, एंड शी इनवाइटेड मी एंड आई कुडंट से नो, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। अब मैं खाली अपने घर में बैठ के गाना गाता रहूंगा तो कौन सुनेगा? इट्स ऑल अबाउट स्टेज, ऑल अबाउट यू नो ऑडियंस, एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ फॉलोइंग एंड फ्रेंड्स। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल एंड शेयर योर थॉट्स एंड फीलिंग एंड हेल्प देम इन व्हाटएवर वे यू कैन। सो दिस इज व्हाट आई फील इज माय जर्नी ऑल अबाउट, एंड थैंक यू शिल्पा फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच। यहां पर इस समय हमारे साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं। माय फिटनेस जर्नी सेइंग हाय, we have Neerja ji, my mother, he's saying good to see you Sandeep ji, I used to see you on ZTV. Oh, thank you, convey my regards to her, thank you. Yeah, of course. Yeah, तब मैं लोगों से कहता हूँ, तब मैं बहुत छोटा बच्चा था जब मैं जी में आता था, because it was I think I started my Z journey in 2005, it was 15 yes. years back. yes, yeah. exactly. Yeah. All right, यहाँ पर इस समय अंकिता है, लाइफ आफ्टर कोविड, जैनावी, मनी बदाना। सो आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले तो उनका मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से ये कीमती पल निकाले हैं और आज हमें देखने आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ संदीप जी, आगे बढ़ते हुए, आज अगर मैं इतनी शानदार पर्सनालिटी को मेरे साथ फ्रेम में देख रही हूँ, तब से अब तक का सफर अगर मैं देखूं तो आपने कैसे तय किया, कैसे आपने शुरुआत की जीवन में? यू नो वी रियली वांट टू लिसन टू योर इंस्पायरिंग जर्नी। आई थिंक गॉड हैज बीन काइंड टू मी। वैसे तो मैं पोएट्री लिखता रहता हूँ, तो मैंने एक लिखी थी पोएट्री, उसको मैं आपको याद आ गई मुझे आपकी बातें, मैं सुना देता हूँ कि अब क्या बताऊं किधर खो गया हूं मैं, अब क्या बताऊं तुझे किधर खो गया हूं मैं, जिधर चला कारवां उधर का हो गया हूं। आई जस्ट गो विद द फ्लो, आई एम नॉट ए ग्रेट प्लानर, एंड आई थिंक दिस मे साउंड लिटिल बिट इम्प्रैक्टिकल एंड विच इज नॉट इन सिंक विद माई प्रोफेशन, बिकॉज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड चेकिंग योर टाइम,
But I think I'm a more carefree person. I always go with the flow. That is the right thing. And I think I'm very happy with that. Because जो होना है वो होकर रहेगा. बिल्कुल. इसमें मुझे दूसरी पोएट्री याद हो गई कि जो होना है वो होकर रहेगा तो कल का जिक्र क्यों करें, और जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई तो कल की फिक्र क्यों करें. वाह, क्या बात. सो माय जर्नी स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक. आई थिंक मच बिफोर आई स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी 20 इयर्स बैक. 20 साल से तो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ. उससे पहले की जर्नी तो मेरी और डिफरेंट थी. तब अलग सितारे थे एंड आई वॉज अ क्रिकेटर एंड वॉन्टेड टू प्ले फॉर इंडिया एंड आई वॉज वेरी गुड एक्चुअली. आई यूज टू go leg spin, googly and amazing, you know. Played with a lot of reputed cricketers of that time. That includes Rahul Dravid and many cricketers even from Karnataka, from UP. And so that was it. But I always had a desire to do something big, do something significant. Money was never in the top five in my list. Never, ever. Even now. So I believe, you know, first is your happiness, internal happiness, and second, your, you know, peace in your life. And then your, obviously that includes your family. Peace means everything in sync. And then having some compassion towards people and this world all about. And I think just enjoy your moment. So I think you have to, because I've seen people, you know, they are in grind in the process of multiplying and making it better materialistically, which I'm not saying is bad, but they need to maintain a balance. So hum log balance nahi bana pate. Thoda hai, thode ki zarurat hai. Ye agar balance banta hai, content with little. Yet looking for more. So I think that will give you a lot of happiness. But मुझे लगता है शिल्पा बहुत सालों के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी में first time ऐसा situation आया है, you know, क्योंकि हम लोगों को आदत है बाहर निकलने की, घर से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही, और लोगों से मिलना और बातें करना और meetings करना, whatever it is, travel करना, वो सब अभी lockdown हो गया. तो पहली बार ऐसा मौका हुआ पिछले दो ढाई तीन महीने में कि the person you know is getting some kind of चिंतन करने लगा. That is the right introspection जिसको हम English में कहते हैं. तो इंट्रोस्पेक्शन से क्या हुआ कि उसको रियलाइज हुआ कि यार लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट रनिंग आफ्टर समथिंग, इट इज आल्सो अबाउट लिविंग योर लाइफ. सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट सिचुएशन. आई हैव रियलाइज्ड इट लॉन्ग टाइम बैक एंड आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड व्हाटएवर कम्स इन माय लाइफ आई ट्राई टू थैंक गॉड फॉर इट एंड स्टिल आई कीप ऑन मूविंग अहेड. क्या बात है, फैंटास्टिक. और जिंदगी का सफर जिनका इतना सुहाना है उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिंदगी के इस सफर में, क्योंकि आप खुद ही आपकी बातों से ही पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ मोटिवेटिंग पर्सन यू आर संदीप जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि इट्स प्योरली सक्सेस, कि ये जो प्योरली सक्सेस है इनकी, ये प्योरली लक है, यू नो, सब किस्मत है ये. और आप तो यू नो ऐसे एस्ट्रोलॉजी जगत के सितारे हैं जिन्होंने किस्मत के सितारे हो, किस्मत कनेक्शन हो, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे शोज हमारे साथ लेके आए हैं आप. तो आपको कितना लगता है कि एक इंसान की सक्सेस क्या कम्प्लीटली थ्रू लक है या हार्डवर्क करके भी सक्सेस नहीं मिलती? कई लोग कहते हैं यार इसका तो लक ही बड़ा अच्छा होगा. सो फॉर यू, हाउ डिड योर सक्सेस केम थ्रू लक और हार्डवर्क? देखिए लक क्या होता है कि जब आप बीएमडब्ल्यू में स्कूल या कॉलेज जाते हैं, दैट इज व्हाट यू कैन से आई एम लकी, यू नो, दैट योर डैड और योर इंफ्रास्ट्रक्चर और योर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, व्हाटएवर इट इज, एंड मे बी डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, इट्स नॉट बैड. बट मेरे पास बीएमडब्ल्यू तो नहीं थी, बीडब्ल्यूएम थी. So I used to ride my BWN. मैं उसे कहता था bicycle without machine. So I used to ride my bicycle even in college days and it was amazing. I think that was my happiest days of my life. Happiest days. वो अलग बात है, you know, शुरू से ही मैं school में भी captain था, cricket captain था cricket team का. College में भी मैं cricket team का captain था. तो मुझे वो captain बनने का वो था, you know, एक cricket में, because I had lot of what do you call passion, like now it is in astrology, it is my passion first and then it became my profession. So wo alag baat hai ki cycle mein jo number hamare jo cycle parking hota tha wahan pe number diye jate the college mein, degree college ki baat kar raha hu main, post graduate college main chota sa patla sa, height bhi choti si aur aise, it was I was like that only. And to main cycle ka number mera 1 hota tha, you know, usme goliyan bhi chalti thi us zamane ki main baat kar raha hu. और बड़े बड़े बदमाश भी होते थे कि भाई ये नंबर हमें चाहिए, किसी को 786 चाहिए, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था वो था 1 नंबर. तो 1 नंबर मुझे मिल जाता था बिकॉज मेरा पॉपुलरिटी की वजह से, यू नो, व्हाटएवर इट वाज. सो एक एक व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, कि इंसान की जिंदगी में सपना देखना बहुत जरूरी. तो आई एम ए ड्रीमर. अभी भी मैंने बोला कि मनी इज नॉट इन द टॉप 3 or 4 इन माई लिस्ट, बट द ड्रीम टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट. एक ही जिंदगी है, कुछ कर गुजार लो. ये मैंने लिखा था कि एक ही जिंदगी है, कुछ कर गुजार लो, और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी. सो आई बिलीव इन डूइंग समथिंग सिग्निफिकेंट विद द राइट अप्रोच, विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विद लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ ऑनेस्टी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अबव दैट एवरीथिंग, अबव दैट व्हाटएवर आई सेड इज फेथ.
फेथ इन यू एंड इन गॉड, मैं इसे हिंदी में कहता हूँ, खुद और खुदा पर यकीन। तो ये जो अगर आपके अंदर वो जज्बा आता है तो देन आई थिंक यू कीप मूविंग। और रही बात स्ट्रगल की, तो आपने बताया जो एस्ट्रोलॉजी में, कि ऐसा नहीं है कि मैं बैठा था और किसी ने डोर बेल बजा दी कि आइए भाई साहब आप ही का इंतजार कर रहे थे और आइए शो शुरू कर लेते हैं, नेवर हैपेंड लाइक दैट। एंड यू हैव नो आइडिया कि जब मैं चैनल्स के बाहर जाता था, टेलीविजन चैनल, आई वॉज इन दिल्ली, तो गार्ड से कहता था सिक्योरिटी से कि मुझे अंदर जाना है, तो बोले किससे मिलना है, तो आई सेड आई हैव नो क्लू, तो बोले अच्छा क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा फिर हम आपको शर्मा जी से मिलवाते हैं, प्रोग्रामिंग हेड है, लेकिन शर्मा जी आज आए नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि मेरी कुंडली देख लेंगे आप। तो अब मेरे पास लैपटॉप होता था तो मैं गार्ड सिक्योरिटी गार्ड की कुंडली पेड़ के नीचे बैठ के बाहर देखता था। उसके बाद वो कहता था अब कल आएगा, अब कल नेक्स्ट डे जाता था तो कहता था कि मैंने वाइफ को बताया वो बहुत कुछ हुई, आज आप वाइफ की और मेरी साली की कुंडली भी देख लेंगे। तो वो कुंडलियां मैंने सिक्योरिटी गार्ड की देखी है तब मुझे अंदर जाने को मिला। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज नॉट इजी, आपके लिए रेड कार्पेट हमेशा बिछ जाए वो जरूरी नहीं है, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर बॉर्न विद सिल्वर स्पून और रेड कार्पेट में ही पैदा होते हैं उसके ऊपर, बट दे मे नॉट गेट सक्सेस। तो आई थिंक आपका ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है, फेथ इंपॉर्टेंट है, जज्बा इंपॉर्टेंट है, ड्रीम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव इन ड्रीम, दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, बट उसमें बैलेंस होना चाहिए। इट इज नॉट अबाउट थिंकिंग समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बट एटलीस्ट गो वन स्टेप एट अ टाइम एंड जस्ट गो विद द फ्लो विदाउट यूजिंग योर ब्रेन्स, बिकॉज वेन यू कीप ऑन थिंकिंग एंड प्लानिंग देन यू विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरा ये मानना है सरल जो जिंदगी है उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और रास्ता है। क्या बात है, फैंटास्टिक। और संदीप जी इसी के साथ आपने जब भी शुरुआत की होगी आपके करियर की, चाहे वो क्रिकेटिंग जगत का हो, एक्टर भी हैं आप और अब तो फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी में हैं और इतनी सारी चीजें कर चुके हैं, यू हैव डन सो मेनी हैट्स, हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन इन लाइफ? दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, यू नो आई एम ए वेरी स्मॉल टाउनर, एक्चुअली छोटा सा शहर शाहजहानपुर उसका नाम है यूपी में, और वहाँ पे तब तो अखबार भी नहीं छपता था, अब मुझे पता नहीं कि वहाँ प्रिंट होता है कि नहीं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में पेपर नहीं छपता था, और जब पेपर भी नहीं प्रिंट होता था और तब आप सोचते हैं कि यू नो कि आपका रिकग्निशन हो दुनिया में, लोग पहचाने, तो ये बहुत ही वियर्ड ड्रीम हो सकता था। तो वो मुझे लगता है कि मेरा इंस्पिरेशन मेरा ड्रीम ही था, यू नो अगर आपको आप कुछ सपना एक देखें और उसको सहज कर रखें, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा था किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। अब ये उसने सेनोरिटा को कहा था कि सिमरन को कहा था मुझे पता नहीं है बट ये डायलॉग मुझे याद है। तो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट, मैन आई ग्रू अप आई अंडरस्टूड देयर इज अ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो यू बिकम व्हाट यू थिंक, आई बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। तो जिंदगी में सपने होने चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट एफर्ट नथिंग वर्क्स। अगर आप सोच रहे हैं कि यू नो नहीं मिली नहीं मंजिल तो इल्जाम ना लगा सितारों पर, नहीं मिली मंजिल अगर तो इल्जाम ना लगा सितारों पर, चमकते तो हैं रोज मगर तेरे सो जाने के बाद, तो व्हेन यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट इनटू इट योर स्टार्स विल नेवर शाइन। तो आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन योर लक एंड हार्ड वर्क, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट दिस इज समथिंग वेर यू नीड टू बी ग्राउंडेड विद जीरो आई विल से एरोगेंस एंड इवन ईगो, बिकॉज दिस इज दीज आर द टू बिग एनिमीज आई हैव सीन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एंड दे आर यू नो गोइंग दीस थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट देम। बिल्कुल यकीनन, जो आपने अभी बात बोली है कि मेरा सपना ही मेरी इंस्पिरेशन है मुझे लगता है और आज तक लगा है, बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। संदीप जी, डिराइविंग फ्रॉम योर स्टोरी, मेरे को लगता है कि इस समय मुझे एक शेर बोलना चाहिए आपके लिए, और मैं उस संदीप के लिए बोल रही हूँ जो शाहजहानपुर से निकले, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, बुजदिल तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। और यकीनन मंजिल मिली है और ऐसी ऐसी मंजिल मिली है कि मैं आपको क्या बताऊं, व्हाट्स योर राशि हो और व्हाट्स योर राशि की बात हुई है तो अब हमारी जितनी यहाँ पे जनता जनार्दन है, ऑडियंस है जो हमें सुन रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब आपकी बातें और आपके प्रश्न लेते हैं। सो संदीप जी, एक छोटा सा अल्पविराम, थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन और यहाँ पहुंचते हैं हम पब्लिक क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, यू आर with us in conversation with the star astrologer Sandeep Kochhar and we are going to take one of your question. So first question Sandeep ji here is from Shivani Garg. Inki date of birth hai 2nd of October 1995. Okay. Birthplace hai Garhmukteshwar. Aur birth time hai 8:55. Morning or evening? Evening. Sure, na? 8:55, yes, 20:55 लिखा हुआ है।
रात को 8:55, सर प्लीज मेरे फ्यूचर के बारे में बताएं, सर मैं एक गवर्नमेंट जॉब पर हूं और अच्छी जॉब पर जा सकती हूं क्या? देखिए ये बचपन से टीचर है, मुझे नहीं पता ये क्या करती है, बट शी इज अ टीचर एंड अ लॉयर। उसका माइंड जो है 10/10 है और जज्बा बहुत है, नॉलेज बहुत है, और इनको जब भी इनके अगेंस्ट कोई जाता है उसकी बैंड बज जाती है। तो शी डोंट नीड टू वरी अबाउट हर कॉम्पिटिटर्स। तो इनका नाम क्या बताया था? शिवानी। तो शिवानी आप करती क्या है? बिकॉज आपका जो माइंड है उसको मैं 10 में से 10 दे सकता हूँ, और आपको ये भी एडवाइस दे सकता हूँ कि आप दूसरों को एडवाइस करते रहिए, क्योंकि आपकी एडवाइस जैसे मान ली उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट शिवानी। एंड इनका एक अच्छा दशा शुरू हुआ है 2017 में, 2 साल पहले तकरीबन। लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज इन लाइफ, 3 साल पहले एक्चुअली, और वहां से इनकी जिंदगी बदल चुकी है। इट इज सपोज टू बी अ वेरी गुड टाइम। और टीचर ही है, देखिए उन्होंने लिखा जी शिवांगी, मेरिट लिखा ना शिवांगी, शिवानी, है ना शिवानी, यस टीचर। हाँ, क्या तो शी सेड शी इज अ टीचर। तो शी संदीप जी, तो शी इज एग्जैक्टली डूइंग व्हाट शी इज सपोज टू डू। एंड मुझे नहीं लगता कि इनको कोई टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन ये ले लेती हैं, ये एक टेंशन की बात जरूर है, बिकॉज इनका माइंड जो है वो जलता रहता है, और हर चीज को यू नो चाहे वो अभी तो शायद शी इज 24 नाउ, 25th कंप्लीट होगा, तो पता नहीं शायद शादी नहीं की होगी, लेकिन शादी के बाद ये हस्बैंड भी इनके स्टूडेंट बन जाएंगे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। तो अगर हर बात पे अगर आप करेक्ट करने लगेंगे शिवानी, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ ऐसा मत करिए। यू नो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू इग्नोर, और बिगर पिक्चर देखना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों में ना फंसिए, ऐसी आपको मेरी सलाह है। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, आप ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी इंसान है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करती है, एंड गॉड हैज बीन काइंड, और आगे भी आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत रहेगी। आप अगर आपको चाहिए तो एक आप एमरल्ड पहन सकती हैं, जिसको हम एमरल्ड कहते हैं, एंड दैट विल सपोर्ट यू। और आई थिंक मुझे लगता है कि आपका फेवरेट कलर ब्लू होना चाहिए, एंड ब्लू इज समथिंग व्हिच इज गुड फॉर यू। क्या बात है, फैंटास्टिक, ऑल द बेस्ट शिवानी जी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यहां पर इस समय अगला सवाल है ईशान चांदना, इनकी बर्थडे है 15 फरवरी 1996 और टाइम है सुबह 8:55, बर्थ प्लेस है अजमेर। उनका भी 8:55 था, इनका भी 8:55। हाँ जी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, तो 15 फरवरी 1996 को थर्सडे था, मॉर्निंग 8:55 इन द मॉर्निंग है, अजमेर राजस्थान में। तो क्या इनका क्या क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अभी तो टाइम खराब चल रहा है, फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर क्या प्रेजेंट की बैंड बजी हुई है, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो वैसे तो इनके अंदर क्वालिटीज बहुत हैं, इनको सब कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यू नो, और ही हैज लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, और इनको जॉब में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या नाम है बताया इनका? ईशान। ईशान मींस मेल, राइट? यस। ओके, तो ये इनको ऑर्डर लेना पसंद नहीं है, तो ये अब किसी जॉब में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ही विल ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन। बचपन से इनका सपना है कि मुझे खुद का काम करना है, और चाहे हॉस्पिटैलिटी में अच्छा कर सकते हैं, ये कंसल्टेंट बन सकते हैं, ये हो सकता है ये किसी भी चीज को खूबसूरत तरह से जो इनकी करने की जो काबिलियत है वो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब देयर आर लॉट ऑफ एरियाज यू नो वेयर ही कैन वेंचर इनटू, जैसे कंसल्टेंट, तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हो सकता है, और अभी तो 24 साल के हैं तो एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन इन्हें मैं जरूर कहूंगा कि ये अगस्त तक ये टाइम जाने दें, क्योंकि अक्टूबर से इनका टाइम खराब चल रहा है, उसके बाद लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज। शिल्पा इज सेइंग ऑल थिंग्स वर राइट। थैंक यू शिल्पा। ये देखिए रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कहानी सुना रहा हूँ, किसी को क्या पता कि व्हाट आई एम सेइंग इज राइट। यहां पे लिखा है यस शिवी गर्ग इज सेइंग ऑल थिंग्स वर राइट। वाओ। तो एकांत, आपका कोई और सवाल है तो मुझे आप कर सकते हैं, बट आई थिंक यू हैव ए गुड हॉरोस्कोप, और आप इनको सब कुछ बेस्ट चाहिए, तो जरूर नहीं है कि जो आप चाहें वो हो ही जाए, तो कई बार मैं कहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाइट टाइम है, मैंने गलती से डे लिख दिया। ओह माय गॉड, सो गाइस सारी कहानी बदल, स्पेसिफिक, यहाँ पूरी कहानी बदल देते हैं आप, सो प्लीज बी स्पेसिफिक इन द टाइम, रात को है या दिन में है, तो आप नाइट भी लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है 19 या 20 लिखने में। तो फिर तो ये बताइए एकांत, अभी तो आपकी बैंड बाजा बारात बजी हुई है भाई साहब, इट इज लाइफ का सबसे डिप्रेसिंग। हाँ ईशान, सबसे लाइफ का सबसे, एकांत सही बोला था एक्चुअली, एकांत में ही रह रहे हैं आजकल, इनका सबसे डिप्रेसिंग टाइम चल रहा है, सबसे डिप्रेसिंग। Am I right? कहाँ गए भाई साहब? यहीं पर हैं। तो ईशान, can you comment if this is right? He is going to write it, I think. अच्छा, मैं भी तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फरवरी तक ये टाइम को गुजर जाने दीजिए, अभी आप जो भी जा रहे हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। He's saying right? Yes. Yeah.
तो ईशान ये वक्त को गुजर जाने दीजिए, अगस्त लास्ट ईयर से आपका टाइम बहुत खराब है, तो ये वो टाइम है जिसमें आप जो जो चाहेंगे वो नहीं होगा। तो कई बार ऐसा भी देखा, क्योंकि ये 25 इनकी एज है, 24 एक्चुअली, तो इनको जिससे ये शादी करना चाहते थे उसी की शादी के कार्ड बांटने ये खुद गए थे अपने हाथों, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज नॉट व्हाट यू वांट इट, समटाइम क्या होता है कि जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन जो आपके लिए अच्छा होता है वो होता है। तो मे बी लेटर ऑन यू विल रियलाइज इट। बट जैसे मैं कह रहा था कि इनका ऊपर से कुंडली तो पूरी उल्टी हो गई, क्योंकि जो लगन था वो सेवंथ हाउस हो गया, सेवंथ हाउस लगन हो गया। एक चीज कंफर्म है कि इनको बेस्ट सब ब्यूटीफुल चाहिए, सबसे ब्यूटीफुल वाइफ इनको चाहिए। इनके सबसे बचपन से सपना है कि करियर बाद में बन जाएगा, वाइफ मेरी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और दूसरा यही से पीस लविंग पर्सन, इनको हर चीज जो है अगर मेंटल पीस ठीक है देन ही कैन डू वंडर्स। तो थोड़ा सा मैं इनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ, भाई साहब 11 फरवरी 2021 तक का टाइम आप निकाल लीजिए, उसके बाद गाड़ी पटरी पे आ जाएगी और बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से होने लगेंगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। थोड़ी सी डेली प्रेयर्स करिए, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूंगा भाई साहब आप डू यू बिलीव इन गॉड, ये कहेंगे यस, और फिर कहेंगे आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन समटाइम, यू नो आई मे नॉट गेट टाइम। तो इनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए डेली प्रेयर्स में, और थोड़ा सा मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। एक एमरल्ड इनको सूट करेगा, एमरल्ड और डायमंड जिंदगी भर अगर आप चाहें तो पहन सकते। क्या बात है, गुजार लीजिए। हाँ, ये सबसे नेगेटिव टाइम चल रहा है, बट इज अ मैटर ऑफ फ्यू मोर मंथ्स। अभी तो वैसे भी किसी की जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल, तो दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। नहीं तो कई बार होता है कि सब दौड़ लें और मैं वहीं बैठा हूँ, तो अभी तो सभी बैठे हुए हैं, तो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग। यहाँ पे पलक का सवाल है, व्हाट अबाउट माय सर, नीड टू आस्क अबाउट माय मैरिज, वी आर प्लानिंग फॉर दिस मंथ इटसेल्फ, माय डेट ऑफ बर्थ इज 4th December 1995, पर टाइम नहीं लिखा, सो आई थिंक टाइम भी नहीं। देखिए आप लोग मुझे लगता है कि पहले इनको गुड मॉर्निंग करिए सबको, क्योंकि अभी बताया है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट, और एएम पीएम भी प्लीज लिख दीजिए, बिकॉज यू नो अदरवाइज व्हाटएवर आई विल से वो सब रॉन्ग हो जाएगा। सो पलक प्लीज राइट पूरी डिटेल एंड देन टेल मी। यहाँ पे हम अगला सवाल लेते हैं श्रमिक दत्ता का, 19 जनवरी 1981 और 8:14 सुबह, सिलचर असम से हैं ये, और ये कह रहे हैं कि कब तक जॉब, मेरे को कब तक जॉब होगी एनिमेशन फील्ड में, इंडिया के बाहर सेटलमेंट है या इंडिया में। 19th of January 1981, 8:14 in the morning, मंडे था, सिलचर असम। देखिए टैलेंटेड तो बहुत है शबिक, लेकिन टैलेंटेड बहुत है लेकिन डिप्रेस्ड है, एंड ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल ड्यू टू सम रीजन, आई डोंट नो, बिकॉज वैसे तो अभी तो 39th year इनका फिनिश हो गया, तो 40th year have started। तो मैं आपको इतना एडवाइस देना चाहता हूँ, देखिए बाहर का मन तो इनका बचपन से है कि मुझे कुछ बाहर करना चाहिए, कुछ बाहर जाना चाहिए, ऐसा इनका सोच शुरू से है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल को बदलने दीजिए, पिछले एक साल से जो जो आपने कोशिश करी शमिक उसमें कुछ नहीं हुआ, एंड यू आर वेरी टैलेंटेड, और आप ये अपनी ये लाइन को मत छोड़िए जो आपका इन्होंने बोला ना एनिमेशन का, तो ये मत छोड़िए, बिकॉज यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव इन नेचर, और उसी वीनस की दशा भी शुरू हो चुकी है पहली बार, तो इट विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। और आप ये क्या है, ये बहुत डिटेल में चले जाते हैं रिसर्च के साथ, और कुछ भी अच्छा एक्सप्लोर करते हैं, तो पीपल विल वैल्यू हिम। ओनली प्रॉब्लम क्या है इनकी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है कि दिमाग ज्यादा एनालाइज करते हैं और रिएक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से जॉब में आ जाती है प्रॉब्लम, कि लोग कहते हैं कि नहीं यू नो ही इज नॉट ए टीम मैन, ये कुछ भी बोल देता है यार। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि टैक्ट आपको यूज करना चाहिए, नहीं तो आज की डेट में किसी के पास ना तो टाइम है आपकी क्वालिटीज को समझने का, आपके इमोशंस को समझने का, और सबके ईगो और टॉलरेंस लेवल जीरो है। तो यहाँ पे मैं आपसे एडवाइस करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा थिंक बिफोर यू स्पीक, यही एक वीक पॉइंट है। एमरल्ड आपको सूट करता है और डायमंड या ओपल आप पहन सकते हैं, दोनों स्टोन आपके जिंदगी भर काम आएंगे, और जो लाइन आपने चूज की है वो बाई चांस नहीं है, इट इज योर क्वालिटी एंड यू शुड कंटिन्यू विद योर पैशन। थैंक यू सो मच संदीप जी। और यहाँ पर कोचर भारती कोचर है, शी सेइंग माय नेम इज भारती, 24th December 1992, कोलकाता इज प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम इज 4:35 सुबह, 4:35 AM, वांट टू नो अबाउट फ्यूचर, जेमस्टोन एंड हेल्थ। सॉरी प्लेस ऑफ बर्थ क्या होता है, आपने डेट टाइम और प्लेस बताएगा, हाँ क्योंकि वो पहले आप प्लेस, वो मेरा सिस्टम ऐसा है ना इसमें, कोलकाता पहले, हाँ पहले टाइम चाहिए होता है डेट के बाद। जी 24 दिसंबर 1992 को थर्सडे था और 4:35 इन द मॉर्निंग कोलकाता वेस्ट बंगाल में। क्या क्वेश्चन था इनका, फ्यूचर के बारे में, जेमस्टोन के बारे में और हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ के लिए डॉक्टर आपको खुद ही निकाल देगा क्लिनिक से और कहेगा अगली बार मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि आपकी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम जब भी आएगी जिंदगी में, नाम क्या बताया था इनका बसंती का,
भारती भारती सॉरी, तो भारती को आपको डॉक्टर यही कहेंगे आपकी जितनी प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में वो आएगी आपकी एंजाइटी की वजह से। शी हैज ए टेंडेंसी टू थिंक अ लॉट, माइंड चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, सोते सोते भी चलता रहता है, और इनके खुद के अजम्पशंस हैं, प्रेजम्पशंस हैं, और ये डाउट में चली जाती हैं और जिद में पकड़ लेती हैं। इनका इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक बार ये डिसाइड कर लेती हैं तो कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती, और स्ट्रांग इतनी है कि इनको समझाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इनका जब गुस्सा आ जाता है तो ये गोली भी चला सकती हैं। तो थोड़ा सा मैं इनकी ज़्यादा बुराई नहीं करूंगा, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएंगी, और सेंसिटिव भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, बिकॉज ये अमावस्या के दिन पैदा हुआ। देखिए मैं आपको क्यों ये भारतीय ये बातें समझा रहा हूँ, देखिए हम लोग कभी मिले नहीं और मिलेंगे भी नहीं, और अब तो ये बातें सुनने के बाद आप वैसे भी नहीं मिलोगे, तो आपको खाली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए, जिंदगी को डिफिकल्ट मत बनाइए, बिकॉज आपके अंदर सारी काबिलियत है, आप लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। और अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ, एंड डू यू एग्री व्हाट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको इनके बारे में, शी इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, गुस्सा है लेकिन मदद करने में भी शी विल बी ऑलवेज बी देयर इन फ्रंट। तो अगर इनको प्यार से हैंडल करें तो शी कैन डू वंडर्स एंड शी कैन हेल्प एनी वन और एवरी वन, और अगर इनको किसी ने गुस्से से या किसी और तरह से कोशिश करी शिल्पा, तो फिर ये इनका नेचर बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता इन्होंने शादी की या नहीं की, नहीं की तो बहुत अच्छा किया, और कर लीजिए तो प्लीज उसको संभाल के रखिएगा क्योंकि दोबारा नहीं होगी। ओके थैंक यू सो मच सर। और जेम्स और इनका 2020 नवंबर से, अभी इस साल के एंड से आपका पूरी जर्नी चेंज होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी अनदर फेज ऑफ योर लाइफ, तो सब बदलने वाला है। मुझे नहीं पता ये क्या करती हैं और क्या जानना चाह रही थी, लेकिन आगे का वक्त इनका अच्छा है प्रोवाइडेड ये अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आए। तो शिल्पा सॉरी क्या नाम था इनका, भारती भारती भारती, अगर आप मुझे सुन रही हैं और तो आप मुझे बताइए क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखती हैं, जो मैंने आपको इतनी बातें की, कुछ मैंने आपकी आपकी खिंचाई की, कुछ बुराई की, तो आपको लग रहा है कि यू नो इट मैचेस विद यू, एंड क्या आप बदलेंगी जैसा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप बदलेंगी तो प्लीज दैट विल चेंज योर लाइफ। तो मैंने इस पे पोएट्री भी लिखी थी, मैं आपको बताता हूँ शिल्पा, कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। आई थिंक यू नीड टू चेंज, और हर इंसान देखिए परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, इनको भारती को मैंने जरूर थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इनकी बेटरमेंट ये रियलाइज करें एंड इस पे काम करें तो जिंदगी बदल जाएगी। तकदीर की बात की है आपने, यहाँ पे मेरे को एक बड़ा मेरा पसंदीदा शेर याद आया है, क्योंकि हमने तो लिटरली सर आपका टाइम चुराया है, इसीलिए मुझे एक लाइन बोलनी पड़ेगी कि आज के सेशन में कि मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, संदीप जी आपसे कि मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, क्या खूब है। तो मुझे लगता है कि किसी दिन शायरी का ही सेशन होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे अगला सवाल आ रहा है एक पलक का, उन्होंने टाइम भी लिख दिया है। जी बताइए। 4th December 1995। जी 4th December 1995 टाइम। टाइम है सुबह 11:55। प्लीज। प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई मैरिज, आई एम प्लानिंग फॉर दिस मंथ। इस महीने ही शादी करने जा रही है? पहले इन्होंने सोचा हुआ था पर वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन करा। ओके अब मुझे ये नहीं पता जो उन्होंने टाइम ऑफ बर्थ बताया वो कितना करेक्ट है, बिकॉज इनका 3 डिग्री का असेंडेंट है, तो अगर टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट हो गया तो कुंडली बदल जाएगी, तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जिंदगी को आसान रखिए। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, मैं इनको 10 में 10 दे सकता हूँ इंटेलिजेंस के लिए भी, नॉलेज के लिए भी, और ये किसी को भी पढ़ा सकती है। यू नो शी इज अमेजिंग इन हैंडलिंग डिफरेंट थिंग, मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी फिसेटेड हैं, मल्टी टास्कर हैं, इतनी सारी तारीफ मैंने किसी की नहीं करी। लेकिन ये हस्बैंड की बैंड बजा सकती है, उसका रीजन क्या है, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती हैं, दैट इज अ बिगेस्ट फ्लॉ। शी इनका ये जो भी काम करना चाहती हैं उसमें पीपल विल ट्रस्ट हर, बिकॉज एनी टास्क गिवन टू पलक विल बी कंसिडर्ड एज डन, बिकॉज देर इज नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक, शी विल गेट इट डन 10 on 10। बट अगर ये बाकी जिंदगी की बातों को भी अगर इसी तरह छोटी छोटी बातों को पकड़ कर उसको एनालाइज कर कर और उसकी वजह से परेशान होकर अगर ये रिएक्ट करेंगी तो उसमें फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट गो करना सीखना चाहिए जो इनको नहीं आता, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम विच शी हैज, अदरवाइज ये वो कुंडली है जो अपने हस्बैंड की जिंदगी को बदल देगी इन ए गुड मैन, मतलब शी विल बी अ लेडी लक फॉर हर हस्बैंड, बट फॉर टू मेंटेन ए मेंटल पीस विच इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैरिड लाइफ इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ, इनको समझाना जरूरी है क्योंकि इनसे बहस करके कोई नहीं जी सकता।
कोई भी नहीं, कहाँ है ये? पलक, आर यू लिसनिंग? बताइए क्या कोई जीता है आपसे, आपसे आज तक आपके आर्गुमेंट में? क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई नहीं जीतता। एंड दिस इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एंड दिस इज अ वीकनेस फॉर योर मेंटल पीस एंड इवन इन रिलेशनशिप लेटर ऑन। ये आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको डिफिकल्ट मत बनाइए। ये छोटी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कह रही है इस महीने शादी प्लान कर रहे हैं, कर ले इस मंथ। देखिए शादी तो होती रहेगी, शादी का क्या है? पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को बदलिए। ये जो आपकी जो सोच है, ये सबसे बड़ा आपका एक वीक पॉइंट बन सकता है। लेकिन आपने सवाल किया तो मैं बता देता हूँ कि शादी का टाइम आपका चल रहा है, नवंबर से पहले शादी होने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी विल गेट मैरिड। बट मेरी बातों को अगर याद रखेंगे, हस्बैंड अपने हस्बैंड की वाइफ मत बनके, बॉस मत बनके, उनकी दोस्त बन जाएंगी तो फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन यू नो गिव यू लाइक। क्या बात है, थैंक यू सो मच संदीप जी। यहाँ पे बहुत सारे सवाल इस समय जुड़ चुके हैं। सूरज है हमारे साथ, सूरज इज फ्रॉम मुंबई एंड ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। डेट ऑफ बर्थ इज 11 December 1975 एंड बॉर्न इन मुंबई। टाइम नहीं पता इन्हें। तो भाई साहब कैसे होगा, मतलब आपने बुलाया भी मुझे डिनर पे कि हम लोग डिनर करेंगे और रेस्टोरेंट का नाम भी नहीं बताया और फिर आप कहते रहे कि मैं वेट करता रहा। बहुत सारे सवाल यहाँ पे जुड़ चुके हैं और एक सवाल जो यहाँ पर है इस समय मैं क्वेश्चंस वाले क्षेत्र में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे साथ मिस्टिक रिव्यू है, मिस्टिक रिव्यू इन्होंने नाम लिखा हुआ है, पर इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23rd of December 1990 और टाइम है शाम को 7:15। प्लेस ऑफ बर्थ है कोलकाता। प्लीज हेल्प मी विद माय हेल्थ करियर मैरिज। सारे सवाल, क्या बात है दोस्तों। इसके बाद हम एक एक सवाल लेंगे आप लोगों का, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के सवाल लेने हैं और मुझे लगता है संदीप जी इसके अलावा और सवाल रहे कौन से जाते हैं, सेहत, करियर और मैरिज। हाँ तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी पूछ ली है। बट एनीवेज अब शादी हो गई कि नहीं हो गई ये तो उन्होंने बताया नहीं। नहीं बता, मेरे को लगता है आई थिंक आई डोंट नो कि हुई है, तभी मेरे को लग रहा है शादी के लिए पूछ रहे हैं कि शादी होगी या नहीं। देखिए मांगलिक है तो कुंडली मिला के शादी करिएगा, और सेंसिटिव है तो फिर मैं कहूंगा कुंडली मिला के शादी करेगा कि दूसरा इंसान आपको अच्छे से समझ सके, तो एक एक हॉरोस्कोप का एनालाइज करवाइए। दैट इज द राइट सजेशन आई एम गिविंग यू। पॉइंट खाली पॉइंट मिलाने से कुछ नहीं होगा, उसको आप पूरा देखिएगा कि वो इंसान आपको हैंडल कर पाएगा कि नहीं, उसका नेचर कैसा है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है, और थोड़ा सा अपने अंदर भी आपको चेंज लाना चाहिए। आपको डेली प्रेयर्स, थोड़ा सा मेडिटेशन को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी में फिर कोई ऐसी कोई चीजें जो आपको बॉदर करती हैं, बिकॉज सारी चीजें आपको बॉदर कर जाती हैं, यही प्रॉब्लम। तो रिएक्ट करना और बुरा मान जाना, ये दो लाइन की कहानी है। आप तो अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे शादी के बाद, तो आपकी हेल्थ का भी सवाल या निशान उठ जाएगा, जो आपने सवाल किया था हेल्थ का। बिकॉज डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आप इतना सोचती क्यों है, इतना स्ट्रेस लेती क्यों है, बिकॉज डॉक्टर्स ऑल ओवर द ग्लोब दे से एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक। जो यहाँ है वही आपकी बॉडी में हार्मोनल, इमोशनल, केमिकल इम्बैलेंस को क्रिएट करता है, तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। मैं टेम्परेचर थोड़ा सा कम करवा देता हूँ एसी का, बिकॉज यू नो मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है। 25 करवा देता हूँ, जस्ट वन सेकंड। थैंक यू। तो उसकी वजह से ना इसमें मॉइस्चर आ रहा है तो ओके जी, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला आपने, आई एम वेरी सेंसिटिव। अच्छा तो फिर कैसे होगा भाई साहब? तो आप अगर छोटी छोटी बातों बैठक जाएंगे तो किसी के पास टाइम नहीं है जो आपको समझा दे। बिल्कुल, तो खुद को खुश रखना सीखिए, तो आपके बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती हैं, चाहे वो करियर हो या आपकी मैरिड लाइफ हो या आपका हेल्थ हो। एवरीथिंग इज इन इन द स्टेट ऑफ योर माइंड, और हैप्पीनेस से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। क्या बात है। सो यहाँ पर संदीप जी मुझे लगता है कि अब हम लेंगे एक सेल्फी ब्रेक, जो हमारे शो का रिचुअल है। यहाँ पर देखने वाले जितने भी 65-70 पीपल कंटिन्यूअसली जो इस समय जुड़े हुए और हजारों दर्शक वर्ल्ड वाइड जो इस शो को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अब आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए हमारी लाइव वीडियो का, टैग कीजिए मुझे यानी कि शिल्पा भसीन और संदीप.कोचर, और पोस्ट कीजिए अपनी स्टोरी में, और एक लकी विनर को वी विल गेट हिज क्वेश्चंस आंसर्ड बाय संदीप जी, जिनका क्वेश्चन रह जाएगा। क्यों संदीप जी, इज इट फाइन? क्या बात है, इज अ ब्रिलियंट आइडिया, यू आर वेरी इनोवेटिव, इनोवेटिव इज द राइट वर्ड एक्चुअली। थैंक यू सो मच।
So, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लोगों को, आप जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक अच्छी सा स्क्रीनशॉट लीजिए. संदीप जी, आई रिक्वेस्ट यू टू मूव लिटिल टुवर्ड्स योर राइट राइट ऐसे या दूसरी साइड. माय राइट. ओके, यस, इज इट ओके? सो यस, नाउ इट्स फाइन. सो दोस्तों, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए एंड पोस्ट इट इन योर स्टोरी. अच्छा, मुझे भी ऐसे करना है? ओके, एनीवेज, बी फॉर विक्ट्री ना. ओके. और आई गाइस, तो मुझे लगता है आपने ले ली होगा स्क्रीनशॉट. 65 लोग यहाँ पर आए इस समय, उन सबने ले ही लिया होगा. और पोस्ट कर दीजिए, जल्दी से टैग कीजिए हमें और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए संदीप जी और मुझे. यहीं पर हम अगला सवाल लेते हैं संदीप जी. यहाँ पर सूरज ने अपना मम्मी से पूछकर अपना टाइम ऑफ बर्थ बता दिया है सूरज जी ने. ओके, सो लेट्स टेक 11 दिसंबर 1975 टाइम. प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई. टाइम है 6:45 सुबह, 6:45 सुबह. ओके, तो 11 दिसंबर 1975 को थर्सडे था, 6:45 इन द मॉर्निंग एंड इन मुंबई. जी, तो इनका क्या क्वेश्चन था, क्योंकि अभी तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग दौर में चल रहे हैं एंड ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल. लेकिन मैं अच्छी बात इनको यही बताना चाहता हूँ कि जब ये पैदा हुए थे आज से 45 इयर्स पहले. क्या नाम बताया? सूरज. सूरज, हाँ. तो अगर ये 45 इयर्स पहले पैदा हुए थे और मुझसे कोई पूछता है कि सूरज बच्चा ये बड़ा कब होगा, तो मैं कहता 2022 में. तो भाई साहब, 2 साल के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है एंड इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग 20 इयर्स ऑफ योर लाइफ. आप जैसा चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, जिसको तो चाह चुके होंगे अब तक, लेकिन जो भी चाहेंगे वो वैसे ही होने वाला है. तो दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग एंड ही इज क्वाइट ए वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन. दिल का इनके लिए मेंटल पीस से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं. बाकी सब चीजें बाद में, पहले पीस होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए एट होम एंड विद इन हिम. कहाँ है भाई साहब, बताइए सूरज जी, am I right? And he's quite a wise man and he will keep on exploring, keep on learning, keep on doing different things. और बहुत ही आइडियलिज्म के साथ अपनी जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. लेकिन भाई साहब, 2 साल मेरे कहने पे आप जैसे चल रहा है चलने दीजिए, बिकॉज समटाइम जैसे शिल्पा, नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन. इट इज बेटर टू बी वन इन हैंड रदर देन टू इन द बुश. Known devil is better than unknown. तो जितनी इंग्लिश के मुहावरे मुझे आते थे मैंने सुना दिए, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वक्त को गुजर जाने दीजिए एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग विल बी ऑल गुड. यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड यू विल ऑलवेज फील द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, स्पेशली आफ्टर 2 years, बिकॉज आई नो इट लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सिंस लास्ट 4-5 years एक्चुअली, बट आफ्टर 2 years एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज. तो सूरज जी, अगर आप हैं तो रिस्पॉन्ड करिए कि आपकी जो कहानी मैंने सुनाई है क्या आपकी वो स्क्रिप्ट से मिलती है. और इसके अलावा कुछ अगर आपको जानना. और सूरज जी, सूरज आल्सो हैपेंस टू बी संदीप जी, ही इज देयर, ही मैनेजेस ऑल द स्टार्स यू सीन ऑन सोनी टेलीविजन. सो ही वर्क्स फॉर द वाओ. सो आई थिंक ही इज अ वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन. ये मैं आपको बता दूं, मतलब कोई बोले कि यू नो मेरा अनड्यू फेवर कर दो तो ये नहीं करेंगे, यू नो. तो ये इनका यू आर वेरी क्लोज. वाओ, मतलब वेरी क्लोज, मतलब उतना क्लोज नहीं था लेकिन थोड़ा क्लोज. आई एम जस्ट जोकिंग, आई अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज. तो देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ट्राई टू बी लिटिल बिट मोर एक्सप्रेसिव इमोशनली. ही इज अ स्ट्रांग पर्सन और ये 4-5 साल काफी फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन ही हैज नो आइडिया हाउ ब्यूटिफुल हिज लाइफ वुड बी आफ्टर 2 years. तो मेरी बात आप याद रखिएगा एंड इट विल बी ऑल ग्रेट. एक येलो सफायर, एक पर्ल और एक रूबी ये पहन सकते हैं लाइफ लॉन्ग एंड ही इज अ रिस्क टेकर. और इनका एक वीक पॉइंट मैं बता देता हूँ, 2 हैं एक्चुअली. एक इनका प्राइड बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, ये डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, टोन से भी प्रॉब्लम आ जाती है. और दूसरा, इनको डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आज तक नहीं आई. तो इज ए क्वाइट डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. तो वो पीपल हु नो हिम दे विल लव हिम एंड जो नए हैं उनको लगेगा क्या यार ये एरोगेंस है या ईगो है, बट ही हैज हिज ओन वे ऑफ हैंडलिंग पीपल. एम आई राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली. सो रोज इज सेइंग वाओ. डू यू नो हिम? Yeah, I know him. Yes. अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो मैं इनकी तारीफों के जो पुल बांध रहा हूँ, सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही. और वो कह रहे हैं that's a bang on. Okay, चलो, that's great. So look forward to see you. तो ये क्या कास्टिंग करते हैं? No, no, he manages all the Indian idols. You see, he works with Studio Next. So he is the person who you know manages the celebrities you see on Sony Television. So he's with them. तो अगली बार आइडल्स को आप फाइनलाइज करने से पहले उनके हॉरोस्कोप दिखा लिया करिए भाई साहब, तो मैं बता दूंगा कि किसके कितने यू नो स्टार्स कैसे हैं जो लाइफ में आगे सक्सेसफुल सिंगर बन सकता है, सो दैट यू कैन पुट मोर एनर्जी इनटू देम हु कैन बिकम ग्रेट सिंगर्स फॉर इंडिया एंड बॉलीवुड. एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली क्या बात है. अच्छा यहाँ पे संदीप जी अगला सवाल जो यहाँ पर आ रहा है, लेट्स टेक इट. सोल कमल कोमल बहुत टाइम से, अंजलि नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1991. टाइम है 5:20 शाम को. प्लेस ऑफ बर्थ है मुगल सराय. ये वेस्ट बंगाल में. जॉब कब मिलेगी, मैरिज कब तक होगी, आई एम मंगलिक, प्लीज कुछ भी नहीं मिल रहा लाइफ में. देखिए ये एक बहुत ही दुविधा का विषय है, क्योंकि अगर ये मांगलिक है तो 5:20 का वक्त नहीं है, तो इनको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा. और अगर ये मांगलिक इतने शिद्दत से बोल रही हैं तो ये 3 मिनट पहला पैदा हुई, बिकॉज 17:17 मतलब 5:17 की जो कुंडली है उसके हिसाब से ये मांगलिक है और लग भी रहा है कि वो हो सकती है इनके लिए. तो इनका इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनका इमोशन सबसे ज्यादा, यू नो, इनको शी कैन राइट ए बुक. ही है शी अंजलि, तो शी कैन राइट ए बुक ऑन हाउ टू गो इन टू डिप्रेशन. उसमें ये PhD कर चुकी है ऑलरेडी. कहाँ गई बताइए अंजलि जी. अंजलि आपको नहीं लगता कि आप हर बात पे हर्ट हो जाते हो, हर बात पे? उसने कहा भी नहीं और तुमको लग भी गया. और कहना वो ये चाहता था, यू नो, कहा उसने कुछ और है, कहना कुछ और चाहता था. ये यू नो आपके आप खुद ही अजम्पशन और प्रजम्पशन में अपनी खुद को डिफिकल्ट जोन में डाल देते हो. तो मुझे लगता है कि लाइफ को ईजी लेना चाहिए. यू डोंट टेक इट ईजी. आप बहुत ही इंटेंस तरह से चीजों को सोच लेती हैं और उसके वजह से फिर खुद को मुश्किल में फंसा लेती हैं अपनी जिंदगी को. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इसमें बदलाव करना चाहिए. मैंने मुश्किल पे लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ अंजलि कि अंजलि तो ये है कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है ये भी तो मुश्किल है. क्या बात है, वाह वाह. तो एक तो जरा सी जिंदगी को और मुश्किल में मत डालिए, हैप्पीनेस को जिंदगी का मोटो बनाइए. एंड आई एम श्योर जो इंसान हैप्पीनेस को अगर टारगेट कर लेता है, you know, I need to be happy in whatever situation. It's not like I will do this or attain that, then I will be happy. No, happy in whatever situation you are in, then you will be great. Yakeen hai. तो कहाँ? जी, बिल्कुल. So I think Komal, आपका question answer हो गया होगा. और यहाँ पर इस समय now guys we are going to take your one question each. So one situation, जो भी आपको एक question पूछना है वो लिखिए. और बहुत सारे DMs है, 34 DM है इस समय मेरे पास संदीप जी. और समय को देखते हुए मैं जल्दी से आपको बताती हूँ. मीरा हंस है, उन्होंने लिखा है माय हस्बैंड नेम इज गुरबीर हंस और डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1984. टाइम है 4:50 शाम को. प्लीज अमृतसर पंजाब. बिजनेस एंड मैरिज नहीं, मतलब हस्बैंड की दोबारा शादी करवाना चाहती हैं. When will he get married? तो अभी तो कहा उनके हस्बैंड ने? I think it's not, उन्होंने गलत लिखा है, हस्बैंड नहीं है. When will he get married? वही मैं सोच रहा था कि हस्बैंड की शादी कौन कराने जाता है. तो When will he get married? Yeah. तो देखिए हाँ लेट हो गए, 36 ईयर इनकी एज हो चुकी है. ब्रदर है, ब्रदर. हाँ ब्रदर है, दैट इज अ रीजन. ओके सो देखिए 36 इनकी एज हो चुकी है और इनका प्रॉब्लम क्या है, ये दिल वाले इंसान है और उसी वजह से हर चीज़ इनके दिल पे लग जाती है. और क्या हुआ कि रेस्टलेसनेस इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. कहाँ गई इनसे पूछिए. ही इज ऑलवेज रेस्टलेस. केयरिंग है, काइंड है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बट कैसे रेस्टलेस हो जाता है इंसान हर बात पे, यू नो, नॉट एट पीस, नॉट एट पीस. दैट इज द रीजन ही इज ऑलवेज लाइक दैट. और उनका एम्बिशन भी बहुत है. He want to explore, he want to do something very very big in life. तो उसके वजह से उन्होंने focus जो है वो अपने career को बना दिया. शादी होगी, होती रहेगी, या कहीं जहाँ चाहते थे नहीं हुई और उसके बाद लगा कि अब मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक sensitive side है, emotional side है, तो उसके वजह से फंसे. लेकिन अब मेरे सबसे बड़ा सवाल का जवाब यही है कि if he is willing to get married, तो ये 20th November से there is a very very strong chance that he will get married. She's saying true. Okay. Yes, the way yes, she's saying yes. तो 20th नवंबर onwards इनकी शादी के चांस हो जाते हैं. एंड इफ शी इज विलिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही विल गेट मैरिड. इनको एक रूबी और येलो सफारे सूट करता है. ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट थोड़ा सा बिहेवियर इनका इनके कंट्रोल में नहीं रहता या खुद रेस्टलेस हो जाते हैं. दैट इज हिज ओनली प्रॉब्लम. सो आई थिंक हिज प्रेयर्स, डूइंग डेली प्रेयर्स एंड डूइंग सम मेडिटेशन विल हेल्प. तो अगर ये बात मेरी मान लेते हैं तो देन इट इज अ गुड आइडिया. हॉरोस्कोप इज गुड. ओके
Thank you Yeah. so He much. might also take interest in living in another country. I don't know, he's already in दूसरे देश में रहते हैं, मुझे नहीं पता, but chances बहुत ज्यादा हैं कि he might even settle down. तो अगर आप सुन रही हैं तो अपने भाई के बारे में तो बताइए, is he in India or is he in overseas? Because overseas का connection मुझे इनका बहुत strong लग रहा है. So I don't know. जी बताइए. So she is going to जी write it और यहाँ नहीं पे नहीं लिखने आप के लोग बताइए. मैंने लिख जी ये जी अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकिता सिंह डेट ऑफ बर्थ 25 अप्रैल 1997 टाइम है दोपहर को 3:45 प्लेस ऑफ बर्थ डिब्रूगढ़ असम आई वांट टू नो अबाउट माय करियर एंड फियांसे इंक्लाइड टुवर्ड्स क्रिएटिव फील्ड सॉरी अबाउट माई करियर एंड फाइनेंस सॉरी सॉरी ओके सॉरी इट्स अबाउट माई करियर एंड फाइनेंस इंक्लाइन टुवर्ड्स क्रिएटिव फील्ड देखिए क्रिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. शी इज वेरी क्रिएटिव, वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल एंड वेरी चैरिटेबल ऑल्सो. बट द प्रॉब्लम इज इनका बहुत कुछ बदलने वाला है. यू नो शी इज हेडिंग फॉर अनदर जर्नी ऑफ हर लाइफ एंड ये साल के एंड तक आते आते काफी कुछ बदलेगा. लास्ट ईयर या तो लास्ट ईयर बदल गया या बदल रहा है या बदलने वाला है. लेकिन अगर नहीं बदला है तो नवंबर तक बहुत कुछ इनकी लाइफ में बदल जाएगा. अब नवंबर से क्या शुरू हो रहा है आपकी केतु की दशा. निकी निकी ता नाम बताया था शायद आप. हाँ जी हाँ जी क्या नाम बताया. निकिता निकिता. निकिता तो निकिता आपको, हाँ आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू आर क्वाइट गुड इन स्ट्रेटजाइजिंग थिंग. आपका माइंड बहुत तेज चलता है, बहुत चीजों को आप एक्सप्लोर कर लेती हैं, विच इज गुड. बट केतु की जो दशा है ना उसमें तो एक तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि किसी भी आंख बंद करके भरोसा मत करेगा, स्पेशली इन रिलेशनशिप. तो यू नीड टू वेरी 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 कॉशियस. और शादी जितना आप लेट करें उतना आपके लिए अच्छा है. यू आर 23 नाउ, क्योंकि आप मांगलिक भी हो और सेवेंथ हाउस का माहौल उतना बिगड़ा हुआ है. तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप जल्दी शादी करिए, ये एक एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ. और केतु की दशा में क्या होता है कि केतु हैज नथिंग टू डू विद मटेरियलिस्टिक डिजायर. तो थोड़ा सा मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल जोन में आपको जाना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन आपको करना चाहिए. राहु लगन में हो जाता है आपको ना करने दे, लेकिन यू हैव टू हैव फेथ एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट, ताकि आपका कोई भी चीज आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करे. और दूसरा आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका चंद्रमा जो बहुत वीक है, नीच का है. तो आपको हर चीज जो है उस पर आप हर्ट होती है. ये लाइफ बहुत ही डिफरेंट है और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं वही जिंदगी में सक्सेस उनको मिलता है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू बिकम मोर प्रैक्टिकल देन बीइंग अ इमोशनल पर्सन. और ये कैसे होगा, ये तो आपकी प्रोग्रामिंग है, ये तब होगा व्हेन आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़ जाएगा. टुडे यू रियलाइज योर वीकनेसेस एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, देन थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज. थैंक यू सो मच. वी हैव अ क्वेश्चन हियर फ्रॉम विशाल अहलावत. डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1998. जस्ट वन सेकंड. या एक सेकेंड से. जी बताइए. विशाल अहलावत डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर 1998 टाइम है 10:04 रात को प्लेस है मेरठ. अच्छा ये तो यूपी से ही है, क्या बात है. आई वांट टू नो अबाउट करियर बिटवीन एमबीए एलएलबी जर्नलिज्म. ये होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन. संदीप जी क्या कहते हैं आप. जी बिल्कुल, लेकिन मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ. 27 दिसंबर 1998 इज संडे 10:04 PM इन मेरठ, करेक्ट. जी 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 98 जी 1998 जी. विशाल देखिए, विशाल जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बिंदास है, सुपर इंटेलिजेंट है, इसीलिए वो जर्नलिज्म में जाना चाहता है और जर्नलिज्म में उसको सक्सेस जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. क्योंकि उसका माइंड ही वैसा ही है, डिटेल वाला, तो हर चीज को ये कूद के निकालेगा. तो खोजी पत्रकारिता, ऐसा वर्ड मुझे मन में आया तो बोल रहा हूँ, ही विल डेफिनेटली डू गुड इन टू दैट. और ये भी हो सकता है कि इंडिया के बाहर का भी कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्ट इनका बन सकता है. तो आई डोंट नो इफ ही हैज एनी डिजायर टू डू सो, बट ही माइट इवन सेटल डाउन और डू समथिंग यू नो रिलेटेड टू ओवरसीज ऑल्सो, ऐसा मुझे लग रहा है. बट रिकॉग्निशन की चाहत इनकी है कि मुझे लोग पहचाने और यू नो अगर फ्रेम है तो सिर्फ मेरा हो, यू नो एक रिकॉग्निशन की चाहत इनकी है. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही विल गेट सक्सेस इन दैट. तो कुंडली अच्छी है, अगर ये अपने स्पिरिचुअल कनेक्ट को बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि ही विल फील द ब्लेसिंग, बिकॉज गुरु लगन को देखता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू हैव. तो एक बार मुझे इससे याद आ गया, यू नो मैं एक बार शूटिंग कर रहा था अपने जी न्यूज की स्टूडियो में, और वहां पे शूटिंग एकदम रुकवा दी गई, मेरा डेली शो था. और बोले कि वो मिथुन दादा आए, मिथुन दादा था वो, मेरे ख्याल से डांस इंडिया डांस का वो पहला सीजन होगा, मैं कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ. और वो उसको प्रमोट करने के लिए आए थे, प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हर तब सब लोग आते थे न्यूज चैनल में कि हमारा शो आने वाला है. और वैसे भी जी टीवी का था तो ऑब्वियसली जी न्यूज में आना ही था. तो शूटिंग रुकवा दी गई, हम बताया गया कि भाई साहब ये हैं हमारे रेजिडेंट एस्ट्रोलॉजर
9 साल, तो उन्होंने बताया अच्छा आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो ये बताइए ये इंसान मिथुन चक्रवर्ती क्यों बना। तो मैंने उनको, लैपटॉप था तो 10 सेकंड लगते हैं जैसे आप देख रही हैं हॉरोस्कोप बनाने, तो मैंने उनको जी एक लाइन का जवाब दिया एंड ही पैटेड ऑन माई बैक, बोले कि मैं बहुत बहुत एस्ट्रोलॉजर से मिला, क्योंकि कहाँ से जर्नी कहाँ तक गई उनकी और वो कितने बड़े बड़े यकीनन एस्ट्रोलॉजर से सब, तो बोले यू गेव द राइट आंसर, एक लाइन बोली थी खाली मैंने। तो उन्होंने कहा बोलो बोले कि आज का तुम्हारा शूटिंग तुम पैकअप कर दो, क्योंकि उनके उनके प्रमोशन के बाद मुझे अपनी शूटिंग कंटिन्यू करनी थी, तो बोले आज पैकअप कर दो लेट्स गो टुगेदर। तो मुझे होटल ले वाह गए, वहां हमने एस्ट्रोलॉजी घंटों डिस्कस करी, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि हमारे गुरु कहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि मिथुन जी, मिथुन चक्रवर्ती इज वेरी नॉलेजेबल, उनका एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्ट्रांग पकड़ है। तो तभी तभी वो मुझसे खुश हुए कि उनको मैंने जवाब वही दिया जो एक लाइन का था और जो किसी ने पहले नहीं दिया था उन्हें। तो बोले कि जब गुरु सातवें घर में होता है, जो मैं इनके लिए कह रहा था इधर से, तो बोला गुरु ने कहा है कि गुरु अगर सातवें घर में होता है तो वो इंसान की जो लाइफ है वो सिक्योर्ड हो जाती है। ये लाइन उन्होंने बोली थी जो मुझे याद आ गई। तो इट इज अ ग्रेट थिंग, लगन में गुरु इज ब्लेसिंग हैंड ऑफ गॉड एंड गुरु एक्सपेक्टिंग ए पर्सन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो इनको मैं यही क्या कहना बात, चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़ा लीजिए भाई साहब, और आप भी अगर कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर आप वो फेथ अपनी जिंदगी में जरूर बढ़ाई। दैट इज द रीजन मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई। क्या बात है, फैंटास्टिक। यहीं पर संदीप जी मैं पूछना चाहती हूँ, आपने इतने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, जब आपने पहली बार किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी मुलाकात हुई या आपकी मीटिंग हुई, आपने उनका हॉरोस्कोप देखा, वो कैसी फीलिंग थी उस समय? देखिए ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि आप कभी टीवी में आए नहीं, अखबार में फोटो छपी नहीं, और खैर मेरी तो छपती रही बिकॉज ऑफ क्रिकेट, लेकिन अदरवाइज मतलब ग्लैमर अलग कहानी है। अभी तो क्रिकेट ही ग्लैमरस हो गया है, बट मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ तो जब 2020 और ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। तो ऑब्वियसली यू आर इन ऑ ऑफ दोज पीपल, सितारे, अरे वाह, यू लुक अप टू देम एंड यू फील गुड, जी वाह, एक फोटो इनके साथ, और ऑटोग्राफ लेते थे उस जमाने में, लोग सेल्फियों का जमाना नहीं था, कैमरे जी फोन में कैमरा नहीं होता था, तो ऑब्वियसली इट वॉज गुड। एंड मैं आपको बताऊँ 2009 की बात बता रहा हूँ, मैं आपको तकरीबन 11 साल पहले, आई वॉज इन मकाऊ, आईफा अवार्ड था, ओके और आईफा अवार्ड में राजेश खन्ना जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था उस वाव इवेंट में मकाऊ में। एंड यू विल नॉट बिलीव वी वर टुगेदर, सुबह 4 या 5 बज गए थे और हम लोग एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहे थे एंड उनके रूम में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हम उनको पहले सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, बिल्कुल, और हमने इतना एस्ट्रोलॉजी डिस्कस किया एंड ही हैड लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिज हॉरोस्कोप ऑल्सो। मैंने कुछ रेक्टिफिकेशन भी किए थे, मैंने कहा देखिए ये इसमें मुझे लगता है टाइम ऑफ बर्थ में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ये और ये, एंड ही वॉज वेरी कन्विंस्ड, और हमारी दोस्ती जैसे हो गई थी, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया था, बहुत अच्छा, तब व्हाट्सएप नहीं था, तो बहुत अच्छा सिचुएशन मतलब हो गया था। एंड आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड लकी to have a company and connection with him, and I called him, मैं तब दिल्ली में रहता था, I called him few times and it was a good connect. तो I think जो आप कह रही हैं कि जो सबसे बड़ा एक सितारों का असर, मेरा तो अब काम ही सितारों का है, बट एक इन्फ्लुएंस होता है और उनका एक एक ऑरा होता है, एक वो होता है, तो आई थिंक इट डेफिनेटली, बट आई एम लकी टू मीट फ्यू गुड पीपल। क्या बात है, इसी बात पे एक शेर आपके लिए, कि कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है, कि कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है, पर जिन्हें मिलता है संदीप जी जैसी पर्सनालिटी का साथ, वो अपनी किस्मत पे नाज करता है। क्या बात है, बहुत खूब, वैसे ये मैं थैंक यू शेर सो अमूमन बोलती नहीं हूँ किसी के लिए भी, पर और खासा तौर पे सिर्फ सेलिब्रिटी शोज में ही बोलती हूँ, मतलब जो मैं स्टेज पे होस्ट करती हूँ, पर आज आपने मुझे मजबूर कर दिया है क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व है आपका जिसके लिए मुझे ये शेर बोलना पड़ा, एंड हैट्स ऑफ टू यू संदीप जी। पर इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक रैपिड फायर राउंड है जो मैं आपके साथ खेलना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि सवाल जी तो चलते ही रहेंगे, बहुत सारे सवाल है ऑडियंस के। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग स्टोरीज में टैग कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को पिक करके आंसर करने की। सो संदीप जी, आर यू रेडी? या ऑफ कोर्स। आपको बोथ नहीं बोलना, आपने पास नहीं बोलना, एक चूज करना होगा आंसर। आप ये नहीं बोल सकते ये दोनों, कोई एक जवाब होगा इन दोनों को, इन दोनों जवाब मतलब मैं सवाल पूछूंगी, दोनों आंसर्स में से कोई एक चूज करना होगा आपको। जी बिल्कुल, ओके, लेट्स गो संदीप जी। फेवरेट फूड? राजमा चावल, पानी पूरी? राजमा चावल। क्या बात है, फेवरेट प्लेस? मुंबई, दिल्ली? मुंबई। फेवरेट डेस्टिनेशन? बीचेस, माउंटेन्स? बीचेस। कलर, ब्लैक और ब्लू? ब्लू। येलो और ऑरेंज? येलो। फेवरेट गोल्ड और डायमंड? वाइफ के लिए डायमंड, खुद के लिए गोल्ड। इन
इन दोनों सनसाइन में से अगर आपको एक चूज करना हो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन, आपको कौन सा पसंद आता है, एक्वेरियस या जेमिनाई? जेमिनाई, क्या बात, क्योंकि उसमें 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 दोनों दोनों एनर्जीज हैं और जिससे पूरी कायनात चलती, क्या बात है। और एक्वेरियस का है, एक्वेरियस घड़ा है जो खाली डिजायर की बात करता है कि भाई बढ़ते रहिए, तो आई एम नॉट इनटू दैट। मैं भी एक्वेरियन ही हूं वैसे। गुड इन नेटवर्किंग, एक्वेरियस इज अ गुड साइन दैट वे, वॉटरी मतलब यू वांट, अगर आपका डिजायर ही नहीं होगा, मैंने कहा ना मेरा एस्पिरेशन ड्रीम है, बिल्कुल, अगर डिजायर ही नहीं होगा तो फिर आप पहुंचेंगे कैसे? क्या बात है। ओके सो रैपिड फायर राउंड कंटिन्यूज। रेट इन द प्रेफरेंस ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स यू वांट टू वर्क विद, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना? आई विल गो विद रणवीर सिंह, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं उनकी उनकी वाइब को मैं जानता हूँ, क्योंकि दीपिका पादुकोण का हॉरोस्कोप मैंने तब रीड किया था जब उनको कोई नहीं जानता था, एंड तब उस जमाने में मैंने कहा था कि यू विल ग्रो इवन बियॉन्ड ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय वाज लाइक देयर एंड दीपिका वाज नोवेयर, तो वो एक कनेक्ट मेरा है एंड शी स्टिल रिमेंबर दैट, उनकी मदर को भी ये बात याद है। फैंटास्टिक, सो रणवीर सिंह। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सिचुएशन दूंगी, आपको पहचानना है ये कौन सा गीत है। ओके सो द सिचुएशन इज, रात है, चांद है, तुम कहाँ हो? ये रात, ये चांदनी, ये yes, रात, ये चांदनी, फिर कहाँ? बस और नहीं कहूंगा मैं। क्या बात है, फैंटास्टिक, अमेजिंग, एंड यू हैव डन फेयरली वेल इन द रैपिड फायर राउंड। कांग्रेचुलेशन सर, यू वन दिस राउंड, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड प्लेइंग इट विद मी। Oh yeah, for me it was the first time ever. ये तो हम खाली टीवी में देखते थे, but it was amazing and मुझे पसीने आ गए कि मैंने कहा पता नहीं कहाँ फंसने वाला हूँ मैं, but I think it was all good. Thank you. अच्छा यहाँ पे करिश्मा का सवाल लेते हैं अब। करिश्मा बड़ी देखिए, आप थोड़ा घड़ी पे नजर रखिएगा क्योंकि ये 60 मिनट्स ऊपर गया है। यहाँ पर जैसे ही 1:59 आएगा आई विल कट इट। सो और इससे पहले कि आए वो, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ शो पे आने के लिए, सेलिब्रेट लाइव विद शिल्पा भसीन में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नहीं, मुझे बहुत मजा आया, मैं इतने सारे लाइव कर चुका हूँ, यू नो उसमें क्या है कि मुझसे सवाल किसी ने नहीं किए, तो आपने जो सवाल किए वो बहुत दिल के करीब थे, एंड आई थिंक सब अपना अपना तो हल जान लेते हैं, मेरा हल कौन जानेगा, यू नो, तो आई एम रियली हैप्पी एंड यू केम अप विद अमेजिंग, यू नो इट वाज वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी क्लोज टू द हार्ट, सो आई विल कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। ओके सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन हियर, करिश्मा, नाम इन्होंने बताया सुशील वशिष्ठ, 1 नवंबर 1958 सुबह 4 बजे का समय है। 1 नवंबर 1958 हाँ जी जी, सुबह 4 बजे का समय है। क्वेश्चन है, थिंग्स आर वेरी मेस्ड अप फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स, बिजनेस नॉट एट ऑल गुड एज बिफोर, बिजनेस है सैनिटेयर एंड हार्डवेयर का, हेल्थ एंड वेल्थ कैसा होगा? नहीं, बट प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है ना इसमें, प्लेस ऑफ बर्थ इज नॉट देयर। करिश्मा, कैन यू राइट द प्लेस ऑफ बर्थ अर्जेंटली करिश्मा, इफ यू आर लिसनिंग टू अस? खाली एक लाइन में बोल सकता हूँ कि सितंबर से थिंग शुड चेंज, बिकॉज इनकी राशि मुझे पता है और राशि नहीं बदलेगी, टाइम कुछ भी हो उस दिन का, और तो लग यही रहा है कि बाय यू नो टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अब घड़ी ने बोल दिया है कि 1:54 रिमेनिंग, 52 सेकंड में मुझे आपका धन्यवाद करना है, और बाकी के जितने भी सवाल हैं आप सब हमें डीएम कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने का, अगर संदीप जी इज सो काइंड, एंड जरूर पोस्ट कीजिए अपने सवाल, स्क्रीनशॉट और हमें टैग कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। मेरे साथ जुड़े हुए इस समय आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट संदीप कोचर, ऑल द फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच सर, जरा नवाजी आपकी, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहूंगी संदीप जी आपके लिए कि कभी बचपन है कभी जवानी है, झूमती हुई कुछ इस तरह से जिंदगानी है, कौन कब करता है किस पे वक्त बर्बाद, दोस्तों आप हमारे शो पे आए ये आपकी मेहरबानी है। क्या बात है शिल्पा जी, अमेजिंग है आप, वाओ, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन आई हैड, एंड टेक केयर, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर, सी यू ऑल, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।